हाँ भाई, बाहरों ख्याल छोड़ के अंदर दी तरफ ले जाना है। सूरज, चंद्रमा, सितारे, प्रकाश, सब कुछ अंदर ही हन। ज्यादा सी फैले हुए ख्याल में तीसरे तल ते एकाग्र कर लेने हैं। इस सब कुछ साड़ी आत्मा मन देखना शुरू कर देंदे है। ज्यादे अपने केंद्र तो तीसरे तिल तो मन थले डिग पैंदा है। ना तो यह प्रकाश ही दे सकता है, ना आवाज नू ही सुन सकता है। संत मत मेहनत मंगता है, सालां बद्दी मेहनत करनी पैंदी है। और मन साडे अंदर काहल पैदा करता है, या सुस्ती पैदा करता है, या अभ्यास से बैठन नहीं दिंदा। जे किते भुले चुके 10 दिन किसी सोबत दे विच जाके बैठ जाने हैं, फिर साडे अंदर काली पैदा करता है। जब असी श्रद्धा प्यार नाल सिमरन करते हैं, शरीर दे विचों मन और आत्मा दिया जो तारा हन वो सिमटनिया शुरू हो जांदियां हन। जब असी इन्हां नूं तीसरे तिल ते एकाग्र कर लेने हैं, फिर असी अपने पांव पर खड़े हो जाने हैं और साडा रस्ता जिहड़ा मार्ग है किताब की तरह खुल जाता है। साडे अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार तड़प पैदा हो जाती है। बाहरों किसी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देनी। हर व्यक्ति आपो अपने काम विच मस्त है और मन नूं शांत करना है। अभ्यास नूं बोझा नहीं समझना, प्रेम प्यार दे नाल करना है। मन नूं बाहर भटकण नहीं देना, तीसरे तिल ते एकाग्र करना है। हाँ भाई, बैठ।